हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल आज के वीडियो में आपके लिए है अगेन एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट का रिव्यू और ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए अगर आपकी एज 23 से ऊपर है और नहीं भी है तो भी देखना चाहिए क्योंकि एजिंग से और एजिंग के साइंस से कौन बच पाया है ऑल राइट right, आज का जो प्रोडक्ट है हमारा वो है गार्नियर रिंकल लिफ्ट क्रीम सो अगर आप ये क्रीम लेने की सोच रहे हो तो इसके बारे में सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी एंड एज यूजल सबसे पहले मैं इस प्रोडक्ट की कुछ डिटेल्स शेयर करूंगी आपके साथ और उसके बाद में शेयर करूंगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे पहले बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो की है इसका प्राइस और इसकी क्वांटिटी और उसके लिए मुझे ओपन करना पड़ेगा ओपन करके दिखाती हूँ आपको सो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में ये क्रीम रिसीव होती है जो मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती है और जैसे कि आप देख सकते हो सबसे नन्नी मुन्नी वाली जो क्रीम मिली थी मुझे मैंने वही वाली मंगवाई है क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ जो सबसे छोटा वाला पैक हो मैं वही मंगवाऊँ और आपको भी यही करना चाहिए क्योंकि कुछ भरोसा नहीं होता कौन सा प्रोडक्ट आपकी स्किन को सूट करेगा और नहीं करेगा वापस आते हैं अपने मुद्दे पे और बात करते हैं इसके प्राइस की जो की वन फिफ्टी तो एक्सपेंसिव तो है ये और इस पैक से तो वैसे आपको अंदाजा लग गया होगा इसकी क्वांटिटी का बट एक बार बता देती हूँ मैं आपको हाँ इसकी क्वांटिटी है 18 ग्राम्स चलो ये चीज़ तो अच्छी लगी मुझे कि इन्होंने कम क्वांटिटी दी है तो बॉटल अपनी कोई बहुत बड़ी नहीं दिखाई जैसे कि बाकी ब्रांड्स करते हैं अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो आप समझ रहे हो मैं कौन से एंटी एजिंग ब्रांड की बात कर रही हूँ एनी वेज तो ये तो हो गया इसका पैकेजिंग प्राइस एंड क्वांटिटी और अब हम बात करेंगे इनके क्लेम्स की जो कि यहाँ बिल्कुल फ्रंट पे मेंशन है मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ इस पे क्लेम किया गया है कि इट रिड्यूसेस रिंकल्स एंड फाइन लाइन्स फॉर विजिबली फर्मर लुकिंग स्किन और रिजल्ट आपको कब तक मिलेंगे ये तो यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन अभी मैं आपको आगे बताऊंगी इसके बारे में भी बाकी इंग्रीडियंट्स की बात करें तो मेन इंग्रीडियंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं स्विस एप्पल सेल एक्सट्रैक्ट एंड प्रो रेटिनॉल इस पे मेंशन है की स्विस एप्पल सेल एक्सट्रैक्ट इज नोन टू हेल्प स्मूदन आउट दी अपीरियस ऑफ फाइन लाइन्स एंड प्रो रेटिनॉल इज नोन टू रिलीज रेटिनॉल एट द कोर ऑफ रिंकल्स टू हेल्प रिड्यूस इवन डीप रिंकल्स दिस यूनिक डबल एक्शन वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन एज वेल एज डीप इन साइट टू रिड्यूस द साइंस ऑफ एजिंग और डायरेक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको सर्कुलर मूवमेंट में इसे अप्लाई करना है अपने पूरे फेस और अपने नेक पे और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको ट्वाइस अ डे से यूज करना होगा साथ में यहाँ पे ये भी मेंशन है कि अपनी आईज़ के बहुत ज्यादा नजदीक नहीं जाना है आपको इसे अप्लाई करते वक्त और ऐसा क्यों है वो अभी मैं आपको बताऊंगी सो so, ये तो हमने डिस्कस कर ली प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स और अभी मैं आती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे इस प्रोडक्ट को मुझे यूज करते हुए दो वीक से ऊपर हो चुका है और मैंने इसे दिन में दो बार नहीं मैंने सिर्फ इसे एक बार ही यूज़ किया था क्योंकि ये बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है और इस मौसम में रात में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि मेरे फेस को होती है तो मैं इसे बस दिन में एक बार अप्लाई करती हूँ मैं एलोवेरा जेल अप्लाई करके ही सोती हूँ तो वो फ़िक्स है मेरा क्योंकि सुबह सुबह मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है अगर मैं इसे अप्लाई करके सोती हूँ तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होगा बट ये है मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्स्चर और इसकी कंसिस्टेंसी सो कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में ये आपको मिलेगा और ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है आपको बिल्कुल भी किसी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इवन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो भी सो so, मैंने अभी अपने फेस पे टोनर और सीरम लगाया था और अब मैं डायरेक्ट इसे अप्लाई करने जा रही हूं ओके okay, मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एक्चुअली लगा ली इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं सो so, अभी मैंने इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है और अगर आपको नजर आ रहा है तो ये थोड़ा सा ग्लो ऐड करता है आपकी स्किन में और आइज़ की अगर बात करें क्योंकि रिंकल्स तो हमें सबसे ज़्यादा यहीं पर ही होते हैं तो मैं इसे बस यहाँ तक अप्लाई करती हूँ इससे ज़्यादा अंदर मैं नहीं जाती और कोई भी क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स आपको अपनी आंखों के बहुत ज़्यादा नज़दीक लेके जाने भी नहीं चाहिए रीजन उसका ये होता है कि आपकी आइज़ के अराउंड की जो स्किन होती है बहुत ही थिन होती है और बहुत ही सेंसिटिव होती है तो अगर आपने कोई क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यहाँ तक भी अप्लाई किया है ना तो वो धीरे धीरे अंदर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा इसीलिए स्पेशली जितने भी आंखों के लिए प्रोडक्ट बनते हैं ना वो जेल बेस्ड होते हैं क्योंकि वो ज्यादा इधर-उधर मूव नहीं होते जहाँ पे लगाओ वहीं पे ही रहते हैं सच बताऊं तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस प्रोडक्ट के अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिलेंगे बट इसके रिजल्ट्स फॉर्चूनेटली अच्छे थे काफ़ी अच्छे थे इनफैक्ट मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि ये कोई मैजिकल क्रीम है और फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको रिजल्ट्स दिखेंगे बट बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाएगा ये प्रोडक्ट आपके रिंकल्स को रिड्यूस करने में तीन दिन में मतलब सिर्फ तीन एप्लीकेशन में मुझे मेरे रिंकल्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल गया था और दो वीक यूज करने के बाद मुझे यहाँ पे और यहाँ पर अपने स्किन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है जो कि अगेन मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि और भी ब्रांड्स के मैंने एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं बट उनसे मुझे इतने फास्ट रिजल्ट देखने को नहीं मिले थे कि सिर्फ दो तीन बार अप्लाई करने पे ही आपको थोड़े बहुत रिजल्ट्स दिख जाएं और बिल्कुल रिंकल्स आपके ये ख़त्म ही कर दे दो वीक यूज़ करने के बाद ये डिपेंड करता है एक्चुअली इस बात पे भी कि आपके रिंकल्स कितने हैं और किस एज में आप एंटी एजिंग प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हो बट अगर आप टाइम पर यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो तो आपके रिंकल्स को ये रिड्यूस करता है बस थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा मुझे और थोड़ा ओवर मॉइस्चराइजिंग है बट अगर गर्मियों में भी आप ए में रहने वाले लोगों में से हो तो आई डोंट थिंक आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी बट अगर आप बाहर आने जाने वाले लोगों में से हो तो ये थोड़ा ओवर मॉइस्चराइजिंग लग सकता है आपको बाकी विंटर्स के लिए तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो सो फाइनल वर्डिक्ट मेरा इस प्रोडक्ट के लिए यही है कि अगर आपका बजट अच्छा है और आप कोई मॉइस्चराइजिंग एंटी एजिंग क्रीम ढूंढ रहे हो तो ये बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए बाकी ऑयली स्किन वालों के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप विंटर्स के टाइम पे ही इसे लेना गर्मियों में तो बिल्कुल मत लेना और हाँ ट्राई करना कि आपको ये छोटा वाला पैक ही मिल जाए और जब आप पूरी तरह से इसके रिजल्ट सेटिस्फाइड होना तब आप बड़ा वाला पैक लेना सो so, ये था एक छोटा सा रिव्यू गार्नियर रिंकल लिफ्ट एंटी एजिंग क्रीम का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और ऐसे ही वीडियोज़ आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे वीडियोस को वॉच कर पाएं अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय